आर्किटेक्चर और कौन से लैंग्वेज वहाँ पे बोले जाते थे या लिखे जाते थे ऑफिशियली कौन सा लैंग्वेज वहाँ पे ज़्यादा यूज होता था तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा सतवा का पॉलिटिकल हिस्ट्री <coughs> जब मौर्य वंश खत्म हुआ तो मौर्य वंश के जो सक्सेस थे नॉर्थ में थे शुंगास और उनके बाद कंवास डेक्कन में और सेंट्रल इंडिया के रीजन में सतवा ने उन्हें सक्सीड किया था ऑलमोस्ट 100 हंड्रेड ईयर्स के एज के सॉरी गैप गैप के बाद तो सौ साल के गैप के बाद यहाँ पे एक नया किंगडम इस्टेबलिश हुआ मौर्य के बाद सतवाहनाज जो थे अगर हम रिलेट करना चाहें तो पुरानों में एक आंध्राज के बारे में बताया गया है और हिस्टोरियंस सतवाहनाज को आंध्राज ही मानते हैं तो सतवाहनाज ने कावाज़ को फर्स्ट सेंचुरी बीसी में हराया था और अपना रूल सेंट्रल इंडिया पे इस्टैब्लिश किया था से दीरे दीरे और सेंट्रल इंडिया से धीरे धीरे वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक अपना रूल इस्टैब्लिश कर लिए थे उनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था थे वो थे शाकाज जिनका रूल जो है अपर डेकन और वेस्टर्न इंडिया में इस्टेब्लिश था उन्होंने क्या कहते हैं जो सतवाहनास थे उनको हरा करके उनसे डोमिनियंस छीन लिया था जो कि बाद में गौतमी पुत्र सतकर्णी जो हैं जो कि 106-130 सिक्स हंड्रेड तक रूल किए हैं उन्होंने शाकाज को हराया और बहुत सारे क्षत्रिय रूलर्स को हराया और फिर वापस अपना डोमिनियंस इस्टेब्लिश किया वो अपने आप को द ओनली ब्राह्मण कहते थे उन्होंने उन्होंने क्लेम किया था कि शहरता लाइनेज को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है ख़त्म किया है जिसके सबसे करीब जिसके सबसे इम्पॉर्टेंट राजा थे जो कि एडवर्सरी थे गौतम पुत्र सतकर्णी के वो थे नहापन ऑलमोस्ट तो वो एट थाउजेंड जो सिल्वर कॉइंस हैं नहापन के वो नासिक में पाए गए हैं जिसमें कई सारे कॉइन्स में मार्क्स दिखा गया है कि सतवाह के द्वारा उन पर अटैक हुआ तो एक तरह से कह सकते हैं कि गौतम पुत्र सतकर्णी का जो क्लेम है वो सही है सतवााननाज ने और मालवा को और कठेवार को ऑक्यूपाई कर लिया था शाकाज को हरा कर उनसे वापस छीन करके उनका एम्पायर जो है वो मालवा नॉर्थ में और से लेकर के साउथ में कर्नाटक तक फैला हुआ था इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश जो कह सकते हैं अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हो गया है तो उस रीजन तक फैला हुआ था उनका जो उनके सक्सेस थे सतवा के उन्होंने टू ट्वेंटी ए डी तक रूल किया था आ, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी का के सक्सेसर्स की बात कर रहे हैं मतलब सतवाानाज के गौतमी पुत्र के बाद के रूलर्स गौतमी पुत्र सतकर्णी के जो जस्ट बाद जो सक्सेसर थे वो थे वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई जो कि 130 से 154 एडी तक रूल किया था उनका जो कैपिटल था वो था पठान ये प्रतिष्ठान जो कि गोदावरी नदी पर है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में शाकाज़ के जो रूलर थे रुद्रमन वन जिनका जिन्होंने 130 से 150 तक रूल किया था वो सौराष्ट्र के रूलर थे काठियावार के रूलर उन्होंने सतवाहना को दो बार हराया और उनसे कोंकण कोस्ट और मालवा को छीन लिया था लेकिन पूरा का पूरा, पूरा क्या कहते हैं सतवाहना को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए क्योंकि उनके साथ कुछ मैट्रीमोनियल रिलेशन्स उन क्या कहते हैं रुद्रमन का था बाद में यज्न श्री सत्कर्णी ने 100 जिनका जो कि 165 से वन नाइन्टी तक रूल किए थे उन्होंने येसत वाहनाज के हैं इन्होंने कोंकण को और मालवा को वापस से छीन लिया था मतलब पा लिया था शाकाज को हरा करके वो ट्रेड के और नेविगेशन के बहुत बड़े पैटर्न पैटर्न थे क्योंकि उनके कई सारे कॉइन्स जो थे उनके ऊपर शिप का मार्क था तो अगर मान लीजिए मैं एक राजा हूँ और मैं किसी चीज़ का मार्क कॉइन पे डालता हूँ जिसका मतलब वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनका जो कॉइन है वो सिर्फ सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात तक है ना इनका कॉइन पाया गया है अब हम लोग पढ़ेंगे जो सतवा के मटेरियल कल्चर था था उसका क्या एस्पेक्ट था तो आपको पता होगा जो साउथ इंडिया है वहाँ पे मेगलिथ कल्चर बहुत ज़्यादा था जो मेगलित बिल्डर्स थे वो वहाँ पे सेटल थे तो वो बहुत ज़्यादा तो नहीं आयरन के यूज़ करते थे लेकिन थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन एक्टेड थे जान पहचान कह सकते हैं कि उनको पता था कि आयरन क्या है लेकिन जैसे ही हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी सेकेंड सेंचुरी ये आता है आयरन का यूज़ अचानक से बढ़ जाता है तो ये दिखाता है कि इस टाइम पर एक आ, कह सकते हैं कि एक आ, नए किंगडम का इस्टैब्लिश establish, इस्टैब्लिशमेंट हुआ होगा शुरू से आ, कह सकते हैं कि जब कोई रीजन में अगर बहुत ज़्यादा ही खेती बाड़ी हो जाए लोगों का मेटेरियल कल्चर वहाँ पे डेवलप हो जाए लोगों को सही से अनाज उपजाने लगे तो ऑब्वियसली उनमें से कोई क्लान जो है वो पावरफुल होकर के एक बड़ा किंगडम इस्टेब्लिश कर सकता है तो दिखाता है कि इस टाइम पर एक क्लान यहाँ पे एक किंगडम यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है तो इनका जो कल्चर है सतवाहाननाज का कल्चर है वो देखने को मिलता है कि इनके कुछ लोकल एलिमेंट्स हैं उसमें और साथ में नॉर्दर्न इंग्रेडिएंट्स हैं क्योंकि मौर्य के रूल के बाद जो नॉर्दर्न कह सकते हैं मटेरियल कल्चर था वो एक तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया था साउथ के वेस्टर्न कल्चर को तो इम्प्रूवमेंट हुआ होगा जैसे कि जो होज थे वो अब सॉकेटेड हो गए है ना इनका जो जो टूल्स ये यूज़ करते थे जैसे कल्स स्पेड्स प्लशर्स एक्सेस एडसेस रेजर्स ये सारे के सारे इस पीरियड से यहाँ पे बिलोंग करते हैं और यहाँ पे पाए जाते हैं तो ये दिखाता है कि आयरन का यूज़ इन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया है जो करीम नगर साइट है वहाँ पे एक लोहार का भी दुकान पाया गया है एक्सकवेशन में और ये बताता है कि सतवा जो हैं वो करीम नगर और वरंगल में जो आयरन आए, और हैं उनको अच्छे से इन्होंने एक्सप्लॉय किया सतवा गोल्ड को भी यूज़ किए थे जो कि कोलार फील्ड से उन्होंने निकाला था लेकिन अभी तक इन्होंने कोई गोल्ड कॉइन्स को इशू नहीं किया कहने का मतलब कि जो गोल्ड इन्होंने निकाला कोलार कोलार फील्ड से वहाँ से इन्होंने गोल्ड कॉइंस इशू नहीं किया बल्कि उसको बुलियस की तरह यूज़ किया बुलियंस कह सकते हैं कि जैसे कि गहने के फॉर्म में यूज़ किया इन्होंने जो कॉइंस इशू किया था वो ज़्यादातर लेड का बना हुआ था कुछ पोटिन के बने हुए थे कुछ कॉपर के और कुछ ब्रॉन्स के जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दूँ ये कॉइन है ये गौतम पुत्र सत्कर्णी द्वारा इशू किया गया कॉइन है ये देखिए एलिफेंट का इस पर मार्क है और ये गोल्ड कॉइन तो नहीं है ये है कॉपर के कॉइन्स हैं क्योंकि इसमें रस्टिंग हुआ है थोड़ा ग्रीन ग्रीन तो आपको देखने को आ, स, न, मिल रहा है और समझ में भी आ रहा होगा कि कॉपर के कॉइन्स हैं इक्श जो थे जो कि इन्होंने जो कि सतवानाज को इन्होंने सक्सीड किया था थर्ड सेंचुरी एडी डी के अराउंड ईस्टर्न डेक्कन के रीजन में उन्होंने भी अपना ही कॉइन इशू किया था ना कि इनके किसी क्वंस को यूज़ किया था इस टाइम पे जो लोग थे जो सतवानाज किंगडम के उनको पेडी ट्रांसप्लांटेशन आ चुका था पेडी ट्रांसप्लांटेशन से क्या होता है कि पेडी का उपजाऊ मतलब धान की खेती बढ़ जाती है और इस रीजन में चूँकि जो कृष्णा नदी है और गोदावरी दो नदी है और इन दोनों के माउथ पे इन दोनों के माउथ वाले रीजन में बहुत ज़्यादा पैड़ीयू ग्रो होता था और इसी वजह से इस रीजन को ग्रेट राइस बॉल कहा जाता है उनके उगाए गए कॉटन जो थे वो बाहरी मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस थे तो कॉटन की भी खेती ये लोग करना जानते थे अगर हम लोग प्लानी के हिसाब से चलें तो आंध्रा किंगडम जो था जो सतवाहानाज था उन्होंने एक आर बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन की थी जो कि जिसमें 100,000 मतलब एक लाख इन्फेंट्री था 2,000 थाउजेंड कैवलरी था और 1,000 एलिफेंट्स थे तो अब इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए उतना अनाज चाहिए और उतना अनाज के लिए क्या चाहिए एक बहुत बड़ा रूरल सेक्शन चाहिए कहने का मतलब बहुत बड़ा रूरल पॉपुलेशन चाहिए तो तो ये बताता है कि सतवा किंगडम में बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन था उसका बड़ा हिस्सा वो रू रूरल खेती बाड़ी में लगा हुआ था पिड्डा बंकूर जो साइट है करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे पके हुए है ना ईंटे पाए गए हैं और चपटे और उनमें छोटे छोटे छेद किए हुए रूफ टाइल्स पाए गए हैं और 22 जो है ईंट के बने हुए कुएं पाए गए हैं जो कि सेकेंड सेंचुरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे नाला भी पाया गया है जो कि अंडरग्राउंड है और कवर है और ये नाले जो हैं ये सॉकेज पिट्स में जाके ओपन होते हैं तो एक बहुत बड़ा से आप बहुत बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं कि टाउन भी इस्टेब्लिश हुआ तो अर्बन पॉपुलेशन भी यहाँ पाए गए होंगे मतलब उस टाइम पर हो डेवलप हुए होंगे टाउन्स जो है वो सबसे पहले आपको महाराष्ट्र में अपेयर होते हुए देखते हैं इस किंगडम के अंदर बाद में है ना ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में होता है बाद में एक सेंचुरी बाद मतलब सेकेंड सेंचुरी एडी में डेक्कन के रीजन में भी टाउन्स डेवलप होते हैं बहुत सारे टाउन्स और विलेजेस के बारे में इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है जो कई जगह एक्सकिशन में भी देखने को मिले हैं इसके अलावा जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था कह सकते हैं क्योंकि रोमन रोमन कोइंस और सतवाहानास कोइन कई जगह पे बड़े अमाउंट में पाए गए हैं तो कॉइंस अगर रोमन कोइंस यहाँ देखने को मिल रहा है इसका मतलब कि ट्रेड हुआ होगा तभी तो यहाँ से कुछ सामान खरीद के रोमन्स गए होंगे और वहाँ से उसके बदले अपना कॉइंस दिए होंगे एक्सचेंज में अब हम लोग पढ़ेंगे सतवाानाज के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सतवाहानाज जो थे वो ओरिजिनली एक डेक्कन ट्राइब थे बाद में इन्हें ब्रह्मनाइज करके शत्र कहा शत्र कहा गया जो इनमें सबसे फेमस किंग थे वो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे मैंने इस अभी थोड़ा देर पहले इनके द्वारा लड़ाइयाँ लड़ी गई और जो राज्य इन्होंने जीता वो सारी चीज़ें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने वरना सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जो कि बिखर गया था विच हैड फॉलन इन टू और बाद में इंटरमिक्सर को भी इन्होंने रोक दिया कि दो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते जो डिसऑर्डर था मतलब कह सकते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसऑर्डर था वो शाकाज के इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हुआ था शाकाज के साथ संबंध बनाने में हुआ की वजह से हुआ था साथ में जो डेकन ट्राइब्स थे उनका ऊपर ऊपर बर्मनाइजेशन हुआ पूरे तरीके से अच्छे तरीके से नहीं हुआ कि उनका क्या वर्ण है इसके अलावा जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनके द्वारा एकलच्रेशन कहने का मतलब कल्चर्स में मिक्सचर है ना या अपने कल्चर को उनके सामने ला करके उनको देना तो बुद्धिस्ट मोंग द्वारा एकल्चरेशन भी एक कारण था सोशल ऑर्गेनाइजेशन के डिसऑर्डर या वर्ना सिस्टम के डिसऑर्डर का जो सतवाहानाज थे वो पहले रूलर्स थे जिन्होंने ब्रह्मनस को लैंड ग्रांट्स दिया था उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो जैन मॉन्क्स हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनको लैंड ग्रांट्स मिला है लेकिन ब्रह्मनस को नहीं लेकिन सतवाहानाज के टाइम में देखने को मिलता है ये पहले राजा हैं जिन्होंने ब्रह्मनस को लैंड ग्रांट्स किया जो आर्टिसन्स की बात करें कि कौन कौन आर्टिसन्स कौन कौन से बिजनेस करने वाले लोग लैंड क्या कहते हैं डोनेशन दे रहे हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा गंधिकाज का नाम आता है गंधिकाज मतलब गंध बनाने वाले परफ्यूमर्स ठीक है उनका नाम बार बार मेंशन होता है ये जो टर्म गंधिका है आपको पता होगा कि ये बाद में धीरे धीरे पहले तो ये गंधिका सिर्फ और सिर्फ जो परफ्यूम बनाते थे उनके लिए यूज हुआ बाद में धीरे धीरे गंधिका सारे के सारे शॉपकीपर्स दुकान वालों के लिए इस्तेमाल होने लगा ये टर्म आज का जो टाइटल है गांधी वो इसी एनशन टर्म से डिराइव किया गया है तो जो मर्चेंट्स थे जो बिजनेसमैन थे जो सौदागर थे वो उस टाइम पर आ, कह सकते हैं कि इस बात में घमंड करते थे कि मतलब वो अपना नाम जो है वो अपने नेटिव टाउन्स के ऊपर रखते थे तो एक तरह से वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं अगर उसका नाम अपने नाम में जोड़ लेते तो ये उनके लिए घमंड की बात होती थी सतवाहनाज जो हैं वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि मेट्री मैट्रिलिनियर सोशल स्ट्रक्चर। तो आपको मैं समझा दूँ मैट्रिलिनियर सोशल स्ट्रक्चर कहने का मतलब वैसा सोसाइटी जहाँ मदर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो फादर का अगर जहाँ इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है उसको कहते हैं पेट्रीयर की और अगर जो सोशल स्ट्रक्चर में मदर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो मेट्रलीनियर मेट्रीलिनियल सोशल स्ट्रक्चर कहलाता है जैसे कि जो राजा थे उनका नाम जो था वो मदर के बाद मदर के हिसाब से रखा जाता था कहने का मतलब उनके नाम में आ, मदर का जिक्र होता था जैसे अभी हम लोग अपने नाम के बाद में सरनेम में फादर का नाम लगाते हैं या उनका सरनेम लगाते हैं तो उस टाइम पे जो राजा थे वो अपने नाम में मदर का नाम जोड़ते थे जैसे कि गौतमी पुत्र सत्कर्णी में गौतमी पुत्र जो है वो गौतमी उनकी माँ का नाम था वशिष्ठी पुत्र मतलब वशिष्ठी के बेटे थे तो इन सब राजाओं राजाओं के नाम में माँ का नाम जुड़ा हुआ है तो दिखाता है कि जो मदर हैं जो माँ हैं उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस सोसाइटी में है जबकि अभी के रीजन की बात करें कि अभी के टाइम की बात करें तो जो पेनसुलर इंडिया है वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है सन का नेम में मदर के नेम नहीं इंक्लूड किए गए हैं जबकि फादर के सन नेम यूज़ किए गए हैं तो ये दिखाता है कि बाद में पेट्रियार् यहाँ पर भी आई है जो क्वींस थे, जो रानियाँ थीं वो अपने हिसाब से और अपने जिम्मेदारी के हिसाब से अपने राइट right से अपने हक से बहुत सारे रिलीजियस गिफ्ट्स दिया करती थी प्रेस्ट्स को और टेम्पल्स को और कई रानियाँ तो रिजेंट की तरह भी काम की मतलब कह सकते हैं कि नॉट एक्चुअली कि वो रूलर थी लेकिन रूलर के जगह पे वो रूल कर रही थी जैसे कि मान लीजिए अगर बेटा छोटा है किंग का डेथ हो गया है बेटा छोटा है तो उसके जगह पे जो एक्टिंग रूलर होंगी वो वही होंगे लेकिन एक्चुअल में वो किंग होगा रूल ये करेंगे तो इनको रीजेंट्स कहते हैं जो सतवाहानाज थे वो रूलर फैमिली उनका जो रूलर फैमिली था वो पचारकी को फॉलो करता था क्योंकि जो सक्सेशन था थ्रोन का मतलब राजगद्दी किसके पास जाएगी तो वो मेल मेंबर को जाता था ना कि फ़ीमेल को इसलिए फीमेल कभी रूलर नहीं हुई लेकिन रीजेंट रूल करें की तो रीजेंट कहलाएं अब हम लोग देखेंगे सतवा के पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को तो जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि द आइडिया ऑफ कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ डिवाइन किंगशिप कहने का मतलब uh, जो आइडिया है एक्चुअली में कि भगवान की तरफ से चुने हुए हैं राजा जो हैं वो एक्चुअली में भगवान के ही तरफ से चुने गए हैं या कह सकते हैं भगवान के ही रूप हैं है, जो uh, रूल कर रहे हैं तो ये कहलाता है द आइडिया ऑफ डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप सतवानाज के अंदर भी यही आइडिया देखने को मिलता है जो किंग हैं उनको इस तरीके इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो धर्म को आप के अप होल्डर हैं धर्म को आ, लाने और मेंटेन करने वाले हैं और इनके अंदर इन राजाओं के अंदर भी क्वालिटीज़ को इसी तरीके से कंपेयर किया जाता है जैसे कि कुछ कह सकते हैं भगवान या मिथिकल जैसे कि राम भीम कृष्णा इन सब के क्वालिटीज़ से इनको मैच किया जाता था, था कि इनके अंदर भी ये क्वालिटीज़ है सतवा जो हैं इसके अलावा जो क्या कह सकते हैं जो मौर्य सम्राट साम्राज्य का जो कुछ कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसका कुछ पार्ट इन्होंने सतवानाज ने रिटेन किया जैसे कि अशोका के टाइम में जो डिस्ट्रिक्ट थे वो अहर कहलाते थे तो सतवाानाज के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट को अर ही कहा गया और जो जैसे अशोका के ने अपने ऑफिशल्स को अमत्या और महामत् था तो सतवाहाननाज के अंदर भी जो ऑफिशियल्स थे उनको अमातियाज और महामत्र कहा जाता था जो सेनापति था हुआ करते थे वो प्रोविंशियल गवर्नर भी होते थे अभी देखिएगा मिलिट्री कहीं भी अगर कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मिलिट्री इंक्लूड होती है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कि अपने नए अपने राज्य को इस्टैब्लिश करने के लिए जैसे कि मान लीजिए मैंने एक राज्य जीता और वहाँ पे मुझे पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो सिर्फ उसे बोलने से नहीं होगा क्यों क्योंकि लोगों के सामने लोगों के लिए हम नए हैं तो हम क्या करते हैं वहाँ पे मिलिट्री को ही एडमिनिस्ट्रेशन करने देते हैं ताकि उनके डर के अंदर भी थोड़ा सा पीस और कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ न जाने का आ, कह सकते हैं डर हो ताकि वो सही से अपना काम करते रहें तो यहाँ भी वही हुआ सेनापति को प्रोविंशियल गवर्नर अपॉइंट कर दिया था, था ताकि मिलिट्री कंट्रोल वहाँ पे बना रहे और ट्राइब्स बहुत ज़्यादा ही परेशान ना करें या कहते हैं कि रिबेल ना करें ट्राइब्स को भी बहुत अच्छे हैं क्या कहते हैं कि क्योंकि ट्राइब्स जो थे अभी मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि सुपरफिशियल ब्रह्मनाइजेशन हुआ मतलब वर्णस वर्णा सिस्टम तो आया लेकिन कम्प्लीटली ट्राइब्स uh, को उसके अंदर उस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं लाया जा सका तो इस तरीके से ट्राइब्स रिवेल कर सकते थे इसलिए मिलिट्री कंट्रोल वहाँ पे चाहिए था जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो गोलमिका को दे दिया गया जो गोलमिका थे वो एक्चुअली मिलिट्री रेजिमेंट के हेड हुआ करते थे और ए, एक मिलिट्री रेजिमेंट के अंदर नाइन चैरियट्स नाइन एलिफेंट्स पच्चीस हॉर्सेज और पैंतालीस इन्फेंट्री या फूड सोल्जर्स हुआ करते थे जो आर्मी प्लाटून का जो हेड होता था वो हमेशा कंट्री साइड में ही पोस्ट पोस्टेड रहता था ताकि पीस और ऑर्डर मेंटेन रहे तो एक तरह से कह सकते हैं इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलिट्री कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ टर्म्स हैं जो कि इनके इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं जैसे कि कटक और स्कंदवर ये दो टर्म्स जो हैं ये मिलिट्री कैंप्स इनका माने होता है मिलिट्री कैंप्स और सेटलमेंट जहाँ पे फौज रुकी हुई हो ठीक है तो ये जो थे ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की तरह काम करते थे जो मिलिट्री कैंप्स थे और जो सेटलमेंट थे जब जब राजा वहाँ होते थे क्योंकि राजा रहे राजा अगर किसी किंगडम में है तो उनकी मिलिट्री भी वहीं होगी तो जब जब राजा रहते थे तो मिलिट्री भी रहती थी और मिलिट्री कैंप्स को ही आ, क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनाया जाता था तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो कौरशन है कौरशन कहने का मतलब किसी को ड्रा धमका करके रखना ठीक है तो कौरशन जो है एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया सतवाना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ब्राह्मण्स थे और जो बुद्धिस्ट मॉन्ग्स थे ब्राह्मण्स के प्रिस्ट मतलब पंडित और बुद्धिस्ट मॉन्ग इन दोनों को टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था ग्रांट किया जाता था और कई सारे प्रिवलेजेस जैसे कि इनसे कोई पूछताछ नहीं होगा इनको किसी कह सकते हैं कि जो पुलिसमैन सब है पुलिसमैन कहने का मतलब सिपाही लोग हैं वो ज़्यादा इन सब से सवाल जवाब नहीं करेंगे सोल्जर्स इनसे पूछताछ नहीं करेंगे किसी तरह का इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा तो इस तरह के कई सारे प्रिविलेजेज़ उन्हें दिए जाते थे क्योंकि ये प्रीस्ट जो हैं जो पंडित हैं और जो भी मॉन्क हैं ये सब लोगों को और जो अथॉरिटी है जो उनके ऊपर रूल कर रहे हैं उनको आ, कह सकते हैं कि उनकी तरफ ईमानदार रहने के लिए सिखाया जाता था उनको ये मॉन्क्स और प्रीस्ट आ, सिखाते थे कि कैसे शांति रखना है क्यों रखना है शांति क्यों ज़रूरी है इसके अलावा अच्छा व्यवहार करना चाहिए ठीक है जो तुम्हारा जो रूलर है वो एक तरह से कह सकते हैं कि भगवान की तरफ से पॉइंट किया गया ये सब चीज़ समझा समझा के वो लॉयल रहे तो इसके बदले में उन लोगों को प्रिविलेजेस और टैक्स रिलायंस ग्रांट किए जाते थे ताकि जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन करने में भी एक तरह से मदद मिल सके जो फेडरेटरीज थे एडमिनिस्ट्रेशन को फेडटरीज में बांटा गया और तीन ग्रेड के फेडरेटरी थे जो सबसे हाईएस्ट कहते हैं फेडरेट्री था वो था किंग जिन जिसे राजा कहा जाता था सेकंड ग्रेड के जो फेडेटरी थे उन्हें महाभोज कहा जाता था और जो थर्ड ग्रेड के फेडरी फ्यडरी थे वो सेनापति कहलाते थे अब हम लोग पढ़ेंगे रिलीजन अंडर द सतवा जो किंग्स थे और जो क्वींस थे वो वैदिक सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे जैसे कि अश्वमेध हो गया वजयपेय हुआ और इसके बदले जो ब्राह्मण पिस्ट प्रिस्ट हुआ करते थे उनको अच्छी खासी खासीफाई सेक्रीफिशियल फीस दिया मतलब मिलता था वो कई सारे जो वैष्णव गॉड्स हैं जैसे कि कृष्णा वासुदेव राम इन सबको पूजा करते थे उन्होंने बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया था क्योंकि वो हाँ, मतलब मॉन्क्स को बड़े अमाउंट में लैंड ग्रांट किया करते थे तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ अगर मान लीजिए कि मैं किसी धर्म के पादरियों को किसी धर्म के प्रिस्ट्स को मैं लैंड ग्रांट करता हूँ तो एक तरह से क्या हुआ फेवर करना ही हुआ तो वो प्रमोट किए बुद्धिज़म को भी और कई सारे जो रूलर्स थे इनके वो हाँ, बुद्धिज़म के एक तरह से कह सकते हैं कि सपोर्टर भी थे जो महायाना फॉर्म है बुद्धिज़्म का वो इनके टाइम में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स इनके रीजन में लिया हुआ था खास करके जो आर्टिसन क्लास थे काम करने वाले वर्ग थे वो मायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज़म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे दो इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट कल्चर का सीट बना एक था नागार्जुन कोंडा और एक अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल है तो पुराना अमरावती कह दें जो कि नए अमरावती के ही पास है आ, ये दो जो है बुद्धिस्ट कल्चर के बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स बने जहाँ पे बहुत सारा <coughs> मॉनिस्ट्रीज़ और स्टैचूज और इंस्क्रिप्शन बुद्धिज़म से रिलेटेड पाए गए हैं आज भी वहाँ के म्यूजियम में देखने को मिलते हैं तो सतवाहानाज के अंदर ये दो जगह आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया यहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर और उससे भी ज़्यादा फ्लरिश किया उनके जो सक्सेस थे एक उसके अंदर तो बुद्धिज़म जो है यहाँ के साथ साथ नासिक में भी फ्लरिश किया जूनार में भी फ्लोरिश किया जो कि वेस्टर्न डेक्कन में पाया जाता है महाराष्ट्र का रीजन है और यहाँ पे यह इसलिए फ्लरिश किया क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर्स जो थे वो इनको सपोर्ट करते थे डोनेशंस के थ्रू जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सतवा के टाइम पर जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसका उसका जो हम लोगों को देखने को मिलता है Uh, कई सारे जो चैत्याज हैं जो कि कह सकते हैं कि सेक्रेट श्राइन्स हैं मंदिर हैं बुद्धिज्म के है ना और कई सारे मोनिस्ट्रीज जिनको विहार कहा जाता है वो मतलब पत्थरों से मतलब एकदम पूरा कंप्लीट पत्थर से बहुत मतलब स्किलफुली और बहुत ही पेशेंस के साथ काटा गया और इस टाइप से चैत्याज और वहाराज डेवलप हुए जैसे कि आ, ये ख़ासकर ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन मतलब महाराष्ट्र का रीजन नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन का रीजन महाराष्ट्र का रीजन वहाँ ये ज़्यादा डेवलप हुआ जो चैत्य है जैसे कि यहाँ पे एक इमेज है आप लोग देख देख रहे होंगे यहाँ पे एक इमेज है चैत्य का कर, जो कार्ले रीजन है वहाँ पे एक है देखिए एक कह सकते हैं कई सारे कॉलम्स हैं बहुत सारे कॉलम्स हैं रूफ के साथ और लास्ट में एक श्राइन है तो चत्या जो हैं वो बुद्धिज्म के मंदिर हैं तो चैत्य जो था वो एक लॉन्ग हॉल लंबे सा लंबा सा हॉल होता है कई सारे कॉलम्स होते हैं और जो विहारा होता है विहार मतलब कह सकते हैं मोनिस्ट्री है ना वो उसमें एक सेंट्रल हॉल होता है बीच में एक सेंट्रल हॉल होता है और एक गेट होता है वरंडा की तरफ से इसमें सामने से एंट्री हो सके इसलिए जो सबसे फेमस चैत्य है मैंने यहाँ पर इमेज में दिखा दिया है वेस्टर्न डेक्कन में वो करले का चैत्य है और आज कह सकते हैं कि जो रॉक आर्किटेक्चर है उसका बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत स्पेसिमेन है स्पेसिमेन कहते हैं वो चीज़ जिसपे स्टडी हो ठीक है तो बहुत ही खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है रॉक आर्किटेक्चर का जो मोनिस्ट्रीज हुआ करते थे विहाराज जिनको कहते हैं वो हमेशा चत्याज के करी मतलब नज़दीक में ही आ, बनाई जाती थी ताकि जो मॉन्क्स हैं वो यहाँ पे रह सकें जब रेनी सीज़न हो बरसात का टाइम हो तो वो यहाँ पे रह सकें मैंने जैनिज्म और बुद्धज़म में बताया कि मॉन्क्स ट्रैवल क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि जो रेनी सीज़न था उसी में वो एक जगह पर ठहरते थे रेनी सीज़न ख़त्म फिर वो ट्रैवल करने लग जाते थे नासिक में तीन विहाराज पाए गए हैं जिनमें नहापना जो कि राजा थे और गौतम पुत्र ये दोनों एक दूसरे के एडवर्सरी थे ठीक है इन दोनों का कई सारा इंस्क्रिप्शन पाया गया है जो कि फर्स्ट सेंचुरी और सेकेंड सेंचुरी ए से बिलोंग करता है इसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो रीजन है जहाँ पे कृष्ण गोदावरी वाला रीजन है कृष्ण और गोदावरी नदी का जो रीजन है यहाँ पे भी रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिला है पत्थर से बनाए हुए कई सारे कई सारी मूर्तियाँ हैं कई सारे केव्स हैं ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है लेकिन इस रीजन में सबसे ज़्यादा जो है वो इस्पाज बनाए गए बुद्धिस्ट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इस्तूपाज़ फेमस है जैसे कि अमरावती और नागार्जन कुंडा का जो इस्तीफा है ये दो बहुत फेमस है इस्तीफा जो होता है वो जनरली एक राउंड एकदम बड़ा सा राउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि बुद्धा के किसी रेलिक के ऊपर बनाया हुआ होता है अमरावती इस्तीफा जो है वो आज अब तो नहीं है अब सिर्फ और सिर्फ उसका रेंज देखने को मिलता है खंडर देखने को मिलता है आ, लेकिन ये जो है ये 200 हंड्रेड बी में बनाना बनाना स्टार्ट हुआ था और दोबारा से इसको फुल्ली रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था सेकेंड सेंचुरी एडी के सेकेंड हाफ में इसमें कई सारे स्कल्पचर्स हैं जिनमें बुद्धा के लाइफ के कई सारे सीन्स डिपेक्ट हुए हैं जैसे कि यहाँ देख लीजिए आप जो अमरावती है ये मॉडल है आज भी ये वहाँ पे जाइएगा अमरावती में तो इस्तीफा के पास एक ये नया मॉडल बनाया हुआ है ये बताता है कि इस टाइप का इस्तीफा उस टाइम पे था डिस्क्रिप्शन सॉरी इंस्क्रिप्शन और कई सारे इमेज से इन्होंने रिमॉडल किया है हम लोगों ने और ये उसका अमरावती का रियल स्तूपा का खंडर है इसमें कई सारे इंस्क्रिप्शन हैं जिसको पढ़ करके जो सतवानाज हैं और उस टाइम के जो राजा हैं उनके अंदर उनके अंडर किस तरीके का रूल था उससे पता लगा है अमरावती में जैसे ये है एक स्टोन कह सकते हैं कि पत्थर से काटा हुआ मूर्ति सब है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे देखिए बुद्धा का फुटप्रिंट है ठीक है पैर का छाप है उसको पूजा जा रहा है तो वर्शिप ऑफ बुद्धाज फुट प्रिंट्स ये अमरावती से पाया गया है ठीक है जैसे यहीं पे नागार्जुन कोंडा का भी देख लीजिए नागार्जुन कोंडा में बुद्धा का जो शर्मन है शर्मन कहने का मतलब पाठ जो बुद्धा अपने स्टूडेंट्स को बताते थे अपने फॉलोअर्स को समझाते थे प्रीच करते थे उसको सरमन कहते हैं तो बुद्धा के सरमन का एक दृश्य पत्थर में बनाया गया है वो देख लीजिए ये नागार्जुन कोंडा का है और ये नागार्जुन कोंडा कोंडा का कह सकते हैं कि जो स्तूपा है वहाँ का बचा हुआ अवशेष देख लीजिए तो नागार्जुन कोंडा जो है वो सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर किया खासकर इक्शकूज के अंदर उनके अंदर ये ज़्यादा डेवलप हुआ इसमें बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स भी हैं और ब्रह्मनिकल मतलब हिंदुज़म के ईट के बने हुए टेम्पल्स भी यहाँ पे पाए गए हैं लेकिन ज़्यादातर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं ऑलमोस्ट दो दर्जन कहने का मतलब नियरली ट्वेंटी फोर मोनिस्ट्रीज यहाँ पर पाए गए हैं इस्तूपाज़ और महाचैत्याज के अलावा नागार्जुन कोंडा जो है वो मतलब क्रिश्चियन एरा के टाइम का है ना क्रिश्चियन एरा कहने का मतलब जो फर्स्ट सेंचुरी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेंचुरी ये सब अर्ली सेंचुरी है क्रिश्चन इरा के उस टाइम का जितना भी स्ट्रक्चर्स है उसमें सबसे रिचेस्ट नागार्जुन कोंडा में है कहने का मतलब मोन्यूमेंट्स के आधार पर मोन्यूमेंट्स के आधार पर अगर हम देखें तो कोई साइट सबसे ज़्यादा रिच है तो नागार्जुन कोंडा ही है इसके इस्तफाज़ महाचैत्याज को इंक्लूड करके तो देख सकते हैं कि कैसे महानागार्जन कुंडा और अमरावती जो है बुद्धिज़्म कल्चर से भरा पड़ा है अमरावती सतवाहनाज के अंदर भी डेवलप हुआ लेकिन सबसे ज़्यादा इक्शकूज के अंदर डेवलप हुआ है अब हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ द सतवाहानाज कौन सा लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते थे जो ऑफिशियल लैंग्वेज था सतवाहानाज का वो था प्रकृत और जो लिपि जिस लिपि में लिखा जाता था वो था ब्रह्मी स्क्रिप्ट जैसे कि मौर्य में अशोक के अंदर जो क्या कहते हैं ऑफिशियल अशोका का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो प्रकृत था और बमी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था सतवाहनाज जो राजा थे वो कई सारे प्रकृत बुक्स भी लिखे हैं एक प्रकृत टेक्स्ट है जैसे कि गथा सत्तासी जो गथा सत्ता सही है या फिर इसको ये भी कह सकते हैं गथा सप्तसती। ये सतवाहना के जो राजा थे हाला उन कहा जाता है कि ये उन्होंने लिखा है इस प्र प्रकृत लैंग्वेज का जो जो बुक है इन्होंने लिखा है इसमें 700 हंड्रेड वर्सेज हैं सात लाइंस लाइन्स हैं सारे के सारे प्रकृत में लिखी हुई हैं लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि बाद में इसको हो सकता है कि थोड़ा सा छेड़छाड़ किया गया हो सिक्स सेंचुरी ए के अराउंड तो सतवानाज किंग्स को लिखने पढ़ने आता था और इसीलिए कई सारे इंस्क्रिप्शन हम लोग इस लैंग्वेज में देखते हैं ठीक तो है सतवाानाज के अंदर ब्रह्मी स्क्रिप्ट और प्रकृति लैंग्वेज ही कह सकते हैं कि प्रॉस्पर किया क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये मौर्य के बाद जो मौर्य साम्राज्य है उसके बाद उसी जगह पर इस्टेब्लिश हुए हैं और उनके कई सारे एलिमेंट्स को इन्होंने अपनाया है तो इस वजह से इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी मौर्य के ही लैंग्वेज है तो ये था हमारा आखिरी चैप्टर आखिरी टॉपिक इससे इस हमारा चैप्टर होता कंप्लीट आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इफ यू लर्न समथिंग प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल